नमस्कार, मेरा नाम है देवांशु तिवारी और आप देख रहे हैं देवभूमि का लोकप्रिय चैनल लाइव उत्तराखंड। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पूरे देश में चुनाव का माहौल बन गया है। बात करी जाए उत्तराखंड की तो यहां पर प्रथम चरण जो कि 11 अप्रैल को है, उस दिन मतदान होना सुनिश्चित किया गया है। लेकिन अभी तक दो बड़े दल भाजपा और कांग्रेस उत्तराखंड में अपने प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं जारी कर पाए हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्या हरीश रावत और कोश्यारी की नानुकूर इसके पीछे है या फिर कोई अन्य बड़े दावेदार का दमखम इस कारण की बड़ी वजह है? यह सब जानने के लिए हमने भी प्रयास किया। आइए देखते हैं लाइव उत्तराखंड की इस खास रिपोर्ट में। सूबा छोटा भले ही हो लेकिन आलाकमान की तान भी यहां के नेताओं की मान मुनव्वर के चलते कसी हुई है। कांग्रेस के हरीश रावत और भाजपा के भगत कोश्यारी ने पार्टी के आलाकमानों को ही नहीं अपने समर्थकों और स्थानीय जानकारों को भी संशय की स्थिति में खड़ा कर रखा है। हम आपको पहले ही दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम बता चुके हैं जिन पर आलाकमान भी संतुष्ट है। क्या नैनीताल सीट से कोश्यारी वाकई नहीं चाहते चुनाव लड़ना या फिर हरिद्वार से खड़े होने में हरीश रावत को है कोई झिझक? बात अल्मोड़ा की तो कांग्रेस से गीता ठाकुर ने भी दमदार दावेदारी पेश की है, पर उनके सामने प्रदीप टमटा है बड़ी दिक्कत। और क्या नैनीताल सीट से भाजपा कोश्यारी की जगह टिकट देने वाली है अजय भट्ट को? टिहरी कांग्रेस प्रीतम सिंह या किशोर उपाध्याय में से किसको देगी तवज्जो? ऐसी तमाम अटकलों से सूबे में राजनीति के गलियारे गर्म हैं। इन्हीं सब अटकलों के बीच लाइव उत्तराखंड पहुंचा दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के पास और यह जानने की कोशिश की कि आखिर देरी कहां पर हो रही है। क्या लोकसभा सीटों को लेकर कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? उत्तराखंड में प्रथम चरण में चुनाव है और यहाँ पर 5 संसदीय सीटें हैं। असम और उड़ीसा की सीटें कल कांग्रेस ने मध्य रात्रि घोषित कर दी हैं। वहीं बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ पर कांग्रेस की सीटें आज रात तक जारी हो सकती हैं। भाजपा भी आज रात्रि या फिर कल सुबह तक अपने नामों पर मोहर लगाएगी। यहां पर नैनीताल सीट को लेकर अभी भी दांव फंसा हुआ है क्योंकि यहां पर जुबा पर ना है लेकिन मन में तो हां का खेल अभी भी जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर आप बाकी खबरें हमारे चैनल लाइव उत्तराखंड पे देख सकते हैं। हमारा चैनल यूट्यूब पे उपलब्ध है, बस सर्च करें लाइव उत्तराखंड और सीधे हमें सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें लाइव उत्तराखंड। नमस्कार।